नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। बेरोजगारों से ठगी के किस्से आम हैं। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने धार पुलिस सभागृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि थाना कुक्षी में साइबर ठगी का उन्होंने किया खुलासा। आपको बता दें कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वही एक व्यक्ति को मुंबई से, 8 व्यक्तियों को फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे, जो naukri.com का अपने आप को बताकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। इस गिरोह के पर्दाफाश में अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 40 लाख का ट्रांजेक्शन मिला है। इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन की संभावना है। करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। अभी तक पुलिस ने 9 को गिरफ्तार किया है। 6 महिलाएं इसमें गिरफ्तार की गई है जो कि कॉल सेंटर में काम करती थी। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की है कि चाहे किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिया जाए, ऑनलाइन कोई पैसा मांगता है, चाहे वो नौकरी के नाम पर हो या किसी अन्य नाम पर, पैसा न डलवाएं। यदि आपके साथ ठगी होती है तो तुरंत पुलिस को या साइबर सेल पर नोट करवाएं। देखिए क्या है मामला, खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। आज धार पुलिस सभागृह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें थाना कुक्षी का मामला है और ये एक ऑनलाइन साइबर ठगी का मामला है, जिसमें हमारी टीम, जिसमें एडिशनल SP, हमारे SDOP कुक्षी, TI कुक्षी और हमारे साइबर क्राइम की जो टीम है, इन्होंने एक संयुक्त कार्रवाई में 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक व्यक्ति को मुंबई से और 8 व्यक्तियों को फरीदाबाद से अरेस्ट किया है, जो एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और naukri.com का अपने आप को बताकर और लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। इस गिरोह के पर्दाफाश में अभी तक जो जानकारी मिली है वो उसमें जो बैंक अकाउंट्स है उसमें करीब 40 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है, परंतु इसको और इन्वेस्टिगेशन पे संभावना है कि करोड़ों का इसमें ट्रांजैक्शन हुआ हो। सर, इसमें कितने लोगों को मतलब गिरफ्तार किया गया, वहाँ से लाया गया? अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 8 फरीदाबाद से और 1 मुंबई से। इसमें महिला भी शामिल है? इसमें 6 महिलाएं हैं जो कॉल सेंटर में काम करती हैं। सर, ये धार जिले के में भी कुछ लोग हैं इसमें? नहीं, अभी इसमें धार जिले का कोई आरोपी नहीं है, ये ऑनलाइन फ्रॉड वाला मामला है। सर, साइबर ठगी के लोग शिकार ना हो, इसके लिए पुलिस क्या अपील करती है? देखिए, मेरी अपील लोगों से यही है कि यदि कोई आपसे ऑनलाइन पैसे मांगता है और किसी भी प्रकार का प्रलोभन, चाहे वो नौकरी का हो या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देता है, तो पैसे ना डलवाएं। और यदि आप के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो तुरंत जो धार पुलिस की साइबर हेल्पलाइन है और साइबर सेल है, उसको तुरंत नोट कराएं। सर, धार जिले के कितने लोग ठग के शिकार हुए हैं? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, ये आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। ठीक, थैंक यू।